हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सु संध्या, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और आज का हमारा सेशन है बच्चों फाउंडेशन वालों के लिए। जी हाँ, फाउंडेशन में हमारा एक बहुत जबरदस्त एक्ट काम करता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के कुछ पोर्शन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और आज हम लोग जो आज के सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारा यूनिट नंबर 3, वो भी डायरेक्टली हम लोग बात करने वाले हैं स्टडी मटेरियल से। जी हाँ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ द गुड्स का हमारा जो यूनिट नंबर 3 है उसमें जो जो एग्जांपल्स कवर हैं, जैसा हमने पहले भी कई बार किया कि जो जो एग्जांपल्स इसमें कवर रहेंगे और जो जो क्वेश्चंस आप लोगों को दे रखे हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। और थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन हम लोग डाल लेते हैं कि क्या कुछ इसमें से हमको आता है, क्या कुछ और समझना है। तो आइए चलो फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर दें। बच्चे लोगों, ये हमारा टॉपिक जो है वो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स से कनेक्ट करता है, बराबर। यानी यहाँ पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हम लोग को देके रखे हैं। सबसे पहले पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी में इन्होंने सेक्शन नंबर 18 से 26 के ऊपर बात की है कि ओनरशिप का ट्रांसफर किस तरीके से होता है। अगर स्पेसिफिक गुड्स हैं, असर्टेन गुड्स हैं, अनअसर्टेन गुड्स हैं, या अप्रूवल बेसिस के ऊपर हैं, बराबर। तो या अगर आप डिस्पोजल के राइट को रिजर्व करके रख लेते हो तो कब कब ओनरशिप का ट्रांसफर होता है, इसके बारे में सारे रूल्स दे रखे हैं। सेक्शन 19 सबसे पहले चालू होता है तो स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स के ओनरशिप के बारे में बात करता है। और यहाँ पे सेक्शन नंबर 20 जो कहता है कि स्पेसिफिक गुड्स जो डिलीवरेबल स्टेट में है उनमें ओनरशिप का ट्रांसफर कैसे होगा। एक एग्जाम्पल आपको देके रखा है, एक्स गोज इनटू शॉप एंड बायज अ टेलीविजन एंड आस्क द शॉपकीपर फॉर इट्स होम डिलीवरी, बराबर। अब शॉपकीपर इसके लिए एग्री कर जाता है। तो अब जो गुड्स वहां पे हैं वो डिलीवरेबल स्टेट के अंदर है ऑलरेडी, तो टेलीविजन का ओनरशिप इमीडिएटली जो है वो बायर के पास में ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि गुड्स डिलीवरी के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। बाय चांस अगर गुड्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक गुड्स हैं लेकिन अभी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, यानी उनको लेकर के आना पड़ेगा। लेकर कैसे आना है कि गुड्स का पैकेजिंग, प्राइसिंग, वेट, इन्फॉर्म टू बायर, वो सब कुछ करना बाकी है, तो ओनरशिप का ट्रांसफर ये सब करने के बाद होगा। इस पर एग्जांपल क्या कहता है, पीटर बायज अ लैपटॉप फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर एंड आस्क फॉर अ होम डिलीवरी, द शॉपकीपर एग्रीज टू इट, हाउएवर द लैपटॉप डज नॉट हैव अ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड। समझिएगा, ऊपर वाले में टेलीविजन रेडी था, यहां पे भी लैपटॉप रेडी तो है लेकिन उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। द शॉपकीपर प्रोमिसेस टू इंस्टॉल इट एंड कॉल पीटर आफ्टर मेकिंग द बिफोर मेकिंग द डिलीवरी, क्योंकि मैं इसके अंदर इंस्टॉल कर दूंगा और डिलीवरी से पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इन दिस केस प्रॉपर्टी पीटर को उस वक्त ट्रांसफर होगा जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर देगा और साथ में बायर को इंटीमेट भी कर देगा। तो अगर इस तरह के गुड्स हैं जो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो उनको लेकर के आइए, तब ओनरशिप का ट्रांसफर बायर को हो जाएगा, बराबर। तीसरे नंबर पे बाई चांस गुड्स जो हमारे हैं वो डिलीवरेबल स्टेट में है लेकिन प्राइस डिसाइड करने के लिए अभी तक सेलर को कुछ करना बाकी है, ठीक है, बराबर। तो ऐसे में जब ये सारा काम, वेट, प्राइसिंग, सब कुछ करने के बाद जब बायर को इन्फॉर्म करोगे तब ओनरशिप का ट्रांसफर होगा। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है और ये एग्जांपल हमारे नोट्स के अंदर भी है, हम लोगों ने क्लास के अंदर भी डिस्कस किया है। इन्हें कारपेट सेल किया है टू द कंपनी विच वर रिक्वायर्ड टू बी लेड। लेड का मतलब होता है बिछाना, है ना। आप जानते हैं कई सारे तरह के फ्लोर कारपेट होते हैं जिनको एक केमिकल या ग्लू लगा करके चिपकाना पड़ता है फ्लोर के साथ में, तो ऐसा ही ये कारपेट है। द कारपेट वॉज डिलीवर्ड टू द कंपनीज प्रमाइसिस बट वॉज स्टोलन बिफोर इट कुड बी लेड। चिपकाने से पहले ही वो क्या हो गया, चोरी हो गया। इट वॉज हेल्ड दैट द कारपेट वॉज नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, वो ऐसमें नहीं था, बराबर। जो कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट था, जैसे वहां पे था ना कि भी आपको विंडो इंस्टॉल करना है, वैसे ये भी था कि भी आप उसको चिपकाओगे, है ना। तो ऐसे में ओनरशिप का ट्रांसफर बायर को नहीं हुआ है तो सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका बनेगा, सेलर का बनने वाला है, कि अपने को ध्यान में रखना है, बराबर से। सिंपल हो गया। अब हमने कहा कि अगर गुड्स अनअसर्टेन गुड्स हैं तो बट ऑब्वियस आपको गुड्स को असर्टेनमेंट करना पड़ेगा तभी ओनरशिप का ट्रांसफर होने वाला है। और इस पर हमारे पास में है बच्चे लोगों सेक्शन नंबर 23, बहुत जबरदस्त, जो अनअसर्टेन गुड्स के ओनरशिप ट्रांसफर पर बात करता है। तो आप गुड्स का एप्रोप्रिएशन कर दो, उसका सिलेक्शन कर दो, तो ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाएगा। सेम उसी तरह से अगर आपने गुड्स को कैरियर वाले को दे दिए, ट्रांसपोर्टर को दे दिए हैं,
इसका मतलब यही होता है कि भी आपने अनकंडीशनली गुड्स को क्या कर दिया है, अप्रोप्रिएट कर दिया है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, आपने सेलेक्ट किया होगा ना, तभी क्रेडिट वाले को दिया होगा। एग्जाम्पल फोर कहता है आपको, हम सारे एग्जाम्पल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं यहाँ पे इस सेशन के अंदर। अ बिल ऑफ लेडिंग ऑफ अ रेलवे पार्सल इज मेड आउट इन द नेम ऑफ बायर एंड सेंड टू हिम। बराबर, बिल ऑफ लेडिंग रेलवे पार्सल का एक बना हुआ है बायर के नाम से और बायर को भेज दिया गया। द ओनरशिप इन द गुड पासेस फ्रॉम सेलर टू बायर, ओनरशिप का ट्रांसफर हो गया। इन केस द गुड्स आर सब्जेक्टेड टू एक्सीडेंटल लॉस या थेफ्ट, तो यहां पे सेलर रिस्पॉन्सिबल होने वाला नहीं है। ठीक है, हाँ, अब आप लोग ये जानते हैं कि रास्ते का रिस्क वैसे तो बायर ही बेयर करता है क्योंकि ओनरशिप उसको चली गई है, पर ये सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट भी है। अगर सेलर अपना रिस्क पे गुड्स डिलीवर कर रहा है तो बात अलग है, अदरवाइज ओनरशिप का ट्रांसफर बायर को हो चुका है। एक और एग्जाम्पल आप लोग देखें, एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ। एम प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर बुक विद अ बुक सेलर इन मुंबई। ठीक है, ही आस्क हिम टू सेंड द बुक बाय कोरियर, कि भाई कोरियर से भेज देना। पेमेंट जो है वो चेक से होने वाला था, सेलर ने बुक को सेंड कर दिया कोरियर वाले को और बुक जो है वो लॉस्ट हो गई है। अब सेलर जो है वो चाहता है कि बायर इस लॉस को बियर करे भाई, क्योंकि ओनरशिप का ट्रांसफर तो आपको हो गया है। अब हमारा ये सेक्शन कहता है अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स यहाँ पे हो गया बिकॉज यहाँ पे बायर जो है वो गुड्स का ओनर बन चुका है, क्योंकि आपकी बुक हमने कोरियर वाले को डिलीवर कर दिया। इट मीन्स हमने गुड्स को अप्रोप्रिएट करके ओनरशिप का ट्रांसफर कर दिया है, therefore he will bear the risk of loss of the book in the way। बराबर से क्लियर बात है। लेकिन बच्चे लोगों, सारी चीजें सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट है, डिलीवरी के रूल्स के अंदर ट्रांजिट के लॉस के लिए वैसे तो बायर ही रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन कई बार सेलर अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी पे भी गुड्स दे सकता है। लेकिन कुछ भी नहीं बोले तो जो बेसिक रूल काम करेंगे वो करने पड़ेंगे। बराबर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 24 अप्रूवल बेसिस पे गुड्स का जाने की बात करता है। रूल्स आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, काफी सारे एग्जाम्पल्स इसके ऊपर हैं। इन एग्जाम्पल्स के ऊपर मैं डायरेक्टली आप लोगों से बात कर रहा हूं कि ये एग्जाम्पल्स क्या कहते हैं, समझिएगा। पी ब्रॉट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम अ म्यूजिकल शॉप ऑन अ कंडीशन दैट ही विल परचेज इट, अगर उसको ये पसंद आया। आफ्टर वीक उसने इन्फॉर्म कर दिया कि ही हैज एग्रीड टू परचेज द इंस्ट्रूमेंट, ओनरशिप का ट्रांसफर उस वक्त उसको हो जाएगा। सिंपल। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 7। ए डिलीवर सम ज्वेलरी टू बी ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, बी ने उस ज्वेलरी को प्लेज कर दिया है सी के पास में, समझिएगा। बराबर, यानी ए से एक ज्वेलरी बी के पास अप्रूवल बेसिस पे जाती है, बी ने उसको सी के पास में प्लेज कर दिया। इट वॉज हेल्ड दैट ओनरशिप ऑफ द ज्वेलरी हैज बीन ट्रांसफर टू बी। बराबर, एज ही हैज अडॉप्टेड द ट्रांजेक्शन बाय प्लेजिंग ज्वेलरी विद सी। सी के पास प्लेज पे रखने का मतलब ये कि आप उन गुड्स का ओनर खुद को मान रहे हो, अप्रूवल बेसिस पे आपने गुड्स पे इसका मतलब कंसेंट दे दिया है। इन दिस केस ए अभी सी से अपने गुड्स तो वापस नहीं ले पाएगा, लेकिन ए यहां पे बी से अपना ज्वेलरी का प्राइस जरूर रिकवर कर सकता है, ये हमको ध्यान रखना है। बराबर, अगला एग्जांपल देखिए, 8th नंबर। ए सेंट टू बी अ वाटर मोटर ऑन अप्रूवल इन मार्च 2020, बी ने उसको ट्रायल के बाद रिटर्न किया है अप्रैल 2020 के अंदर। बराबर, तो अगर आपको नहीं पसंद है तो एक रीजनेबल टाइम में आपको वापस करना चाहिए। और वाटर मोटर जैसी चीज, एक महीना आपने हो सकता है उसका इस्तेमाल भी कर लिया, यूज भी कर लिया, अब आप रिटर्न कर रहे हो कि बहुत लेट हो जाएगा, रीजनेबल टाइम से लेट हो गया, तो यहां पे अब आप रिटर्न नहीं कर सकते, आपको गुड्स को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ए गुड्स को वापस से नहीं लेगा और बी जो है वो उसको प्राइस का पैसा चुकाना पड़ेगा, जो भी प्राइस है वो चुकानी पड़ेगी, ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक और कंसेप्ट, एक और एग्जाम्पल देखें, सेल फॉर कैश ओनली ऑन रिटर्न और रिटर्न। ए डिलीवर हिज ज्वेलरी टू बी ऑन सेल फॉर कैश ओनली और सेल फॉर कैश, भी पैसा दो और ओनरशिप ले जाओ या फिर रिटर्न कर दो। इट वॉज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट ज्वेलरी ए का ही प्रॉपर्टी रहेगा जब तक प्राइस पे नहीं कर देते। इस बार हमने क्लियर बोल दिया था पहले ही कि भैया अभी तुम गुड्स को किसी के पास प्लेच करते हो, चाहे जो करते हो, कुछ भी करो, लेकिन ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं जाएगा। बच्चों समझिएगा, क्योंकि यहां क्लियर बोल दिया गया कि ओनरशिप तभी जाएगी जब आप पैसा दोगे, ये कंडीशंस के अंदर हमने लिख दिया और ऐसा हम लिख सकते हैं। बिफोर द पेमेंट ऑफ प्राइस, सेम ऊपर वाला एग्जाम्पल की तरह, बी ने ये प्लेज कर दिया सी के पास। अगर एक जनरल पॉइंट होता तो सी उस ज्वेलरी को अपने पास रख सकता था, ए को सिर्फ पैसा मिलता। लेकिन इस कंडीशन में जब हमने सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न बोला था और आपने पेमेंट से पहले किसी को प्लेज के पास रख दिया तो प्लेज वैलिड नहीं होगा, ओनरशिप यहां पे बी को ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। और जब बी की ओनरशिप है ही नहीं तो सी के पास प्लेज भी नहीं कर सकता है,
और इसीलिए प्लेज वैलिड नहीं है और एसी से अपना ज्वेलरी वापस लेकर के आ सकता है। ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे लोगों, सेक्शन नंबर 25, जहां आप रिजर्वेशन के राइट को, डिस्पोजल के राइट को अपने पास में रिजर्व करके रख लेते हो, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इस पर एक छोटा सा एग्जांपल है, ए एक्स सेंड फर्नीचर टू अ कंपनी बाय ट्रक और इंस्ट्रक्ट करता है ड्राइवर को नॉट टू डिलीवर द फर्नीचर टू द कंपनी जब तक पेमेंट नहीं हो जाता। तो बट ऑब्वियस है, प्रॉपर्टी तभी जाएगी जब पेमेंट हो जाएगा, तो आपने बकायदा इंस्ट्रक्शन दे दिया है कोरियर वाले को या ट्रांसपोर्ट वाले को, तो आपने अपना डिस्पोजल राइट अपने पास में रिजर्व कर लिया एक तरह से, बराबर। तो ऐसा किया जा सकता है, ये अपना वो जो पॉइंट था ना कि जहां बिल ऑफ लेडिंग अगर अपने नाम पे बना लेते हो, बिल्कुल वैसा ही हो गया। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ते हैं तो सेक्शन नंबर 26 हमारा सबसे बड़ा सेक्शन आता है, जो कहता है नॉन ओनर ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं कर सकता। अच्छा नहीं, पहले 26, वो तो 27 है। रिस्क प्राइमा फेसी पासिस विद द प्रॉपर्टी, जो गुड्स का ओनर होगा वही रिस्क को बियर करेगा, प्राइमरी रिस्क उसी की है, लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं। पहले एग्जांपल नंबर 11 और 12 को चेक कर दें। ए बिट फॉर एन एंटिक पेंटिंग ऑन एट सेल बाय ऑक्शन, एक एंटिक पेंटिंग जो है उसका बिड हो रहा है। आफ्टर द बिड व्हेन द ऑक्शनियर स्ट्रक हिज हैमर टू सिग्निफाई एक्सेप्टेंस ऑफ द बिड, समझिएगा जब वो हैमर नीचे डालने वाला था, ही हिट द एंटिक विच गेट डैमेज। अब समझिएगा, क्लास में जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें सेल होने के बाद वाइब्रेशन से वो फ्लास्क गिरा था, इस बार जो ऑक्शनियर है उसने जो अपना हथौड़ा अपना जो हैमर डाउन किया वो गलती से हिट हो गया एंटिक पे ही और एंटिक डैमेज हो गया। अब यहां पे बट ऑब्वियस है द लॉस विल बी बोर्न बाय द सेलर, है ना, द ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज नॉट पास्ड टू द बायर। अभी ऑक्शनियर को साइड में करते हैं क्योंकि वो तो वैसे भी एजेंट है, तो सेलर और बायर में से रिस्क जो है वो बट ऑब्वियस है सेलर बियर करने वाला है, वो ऑक्शनियर तो उसी का एजेंट है तो एक ही बात होगी, लेकिन रिस्क अब बायर बियर नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर के साथ ही, ओनरशिप ट्रांसफर तो हुई नहीं, आपका जो हैमर है वही अगर उसके ऊपर लग गया है फ्लास्क के ऊपर, तो इसका मतलब ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं हुआ है, बराबर। अब यहाँ पे इस पॉइंट के कुछ एक्सेप्शंस भी थे, बहुत सिंपल है, अगर यहाँ पे लगता है सेलर या बायर किसी का डिफॉल्ट था तो उससे रिकवर करो, और बाकी बिली वाली ड्यूटी सारी हमारी लगने वाली है। बढ़िया सा एग्जांपल अपन लेते हैं यहाँ पे, ए कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल 100 बॉल्स ऑफ कॉटन टू बी, ठीक है, एंड डिलीवरी होने वाला है फरवरी के अंदर। बी टुक द डिलीवरी ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉटन, कुछ पार्ट उसने ले लिया, बट मेड अ डिफॉल्ट इन एक्सेप्टिंग द रिमेनिंग बॉल्स, देखिए रिमेनिंग बॉल्स जो है उसका उसने एक्सेप्टेंस नहीं किया है, बराबर। Consequently, the cotton becomes unfit for the use. अब वो cotton use के लिए रहा ही नहीं। The loss will have to be borne by buyer. समझिएगा। It should, however, be remembered that the general rules shall not affect the duties or liabilities of either seller or buyer as a bailee, even when the risk has passed. जो अपन बात कर चुके थे कि अगर मैंने as a seller आपको goods बेच दिए हैं, जैसे वो अपन ने example लिया था ना, cement के bag बेच दिए, अब ओनरशिप आपको चली गई, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सीमेंट के बैग उठा करके बाहर रख दूं। आपने बोला सर हम डिलीवरी कल लेके जाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है ना यार, ये तो बिक चुका है, उठा करके मैंने ओपन एरिया में रख दिए, यार बारिश में खराब होते हो तो अपनी क्या टेंशन है, ऐसा नहीं होगा। एस बिली आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो हमेशा रहती है। अच्छा, इस एग्जाम्पल के अंदर क्या हुआ, बेसिकली 100 बॉल्स ऑफ कॉटन डिलीवर होने थे, बी ने डिलीवरी ले लिया पार्ट का, बट रिमेनिंग का उसने डिलीवरी नहीं भी लिया है, तो आपने बोला If the delivery has been delayed by the fault of seller or buyer, the goods shall be at the risk of the party in default. अब जिसका default है, but obviously buyer को यहाँ पे लेना चाहिए था, और अगर buyer ने पूरे का delivery नहीं लिया, seller के पास goods से कुछ नुकसान हो गया, तो but obviously buyer उसके लिए responsible रहेगा। हाँ, seller पे भी duty आती है कि आपको goods का एक proper look after करना चाहिए था, ठीक है, बराबर। तो ये points हम लोग को ध्यान में रखना है। The liability to bear loss in case of properly destroyed, damage or detroit passes with ownership. The parties may, however, agree to contrary. अपन बात कर ही चुके हैं। For example, parties ये agree कर सकती हैं कि property किसी और के पास हो और responsibility कोई और bear करे कई बार। Sometime after or before the property is passed from seller to buyer, तो risk अपन इधर से उधर कर सकते हैं कि भी अभी ownership भले ही seller के पास है लेकिन liability buyer bear कर रहा है, buyer के पास ownership है लेकिन responsibility risk seller bear कर रहा है, तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। Now, अब जो आपको मैं कह रहा था 27 से लगा करके 30 तक, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर, हमारा जबरदस्त वाला पॉइंट है। नेमो डेट कॉट नॉन हैबिट या नेम डेट कॉट हैबिट कहा जाता है इसको। नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल एज ही हिमसेल्फ हैज। इफ ए सेल्स सम स्टोलन गुड्स टू बी हु बायज देम इन गुड फेथ,
चोरी के गुड साथ भले ही गुड फेथ में परचेस कर भी ले, खरीदने वाले के पास कोई टाइटल ट्रांसफर होने वाला बच्चे लोगों नहीं है, समझिएगा कोई टाइटल उसको ट्रांसफर यहाँ पे नहीं हो रहा है, अपने को ध्यान में रखना है। एंड ट्रू ओनर जो है वो बट ऑब्वियसली अपने गुड्स को वापस से लेकर के आ सकता है, ये आप लोग को इधर ध्यान में रखने का है, ठीक है, बराबर, कोई टेंशन नहीं इसके अंदर। हाँ मैं ट्राई कर रहा था अगर कुछ पैन वैन चेंज हो जाए, अभी हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, चलने देते हैं इसी को। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट कहता है पी द हायर ऑफ व्हीकल अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट उसको क्यू को सेल कर देता है। अब आप सब जानते हो हायर परचेज एग्रीमेंट में हायरर के पास ये राइट नहीं होता है कि वो आगे गुड्स को ट्रांसफर करे। क्यू दो बोनाफाइड परचेजर है लेकिन उसको ओनरशिप नहीं मिलेगा बिकॉज यहाँ पे जो पी है उसके पास भी ओनरशिप है ही नहीं, और जिसके पास ओनरशिप नहीं है वो आगे ओनरशिप पर ट्रांसफर भी नहीं कर सकता, ये अपने को ध्यान रखना है। लेकिन इस पॉइंट के बहुत सारे एक्सेप्शंस थे जिसमें पहला मर्केंटाइल एजेंट है, बराबर से एजेंट अगर सेल कर दे जो उसको ऑथोरिटी मिली हुई उसके अंदर, तो बट ऑब्वियस है कि खरीदने वाले को गुड फेथ में अगर परचेस किया है तो ओनरशिप का बढ़िया ट्रांसफर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। सेल बाय वन ऑफ जॉइंट ओनर्स बहुत सिंपल सा पॉइंट है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तीन लोग हैं एबीसी, एक टेलीविजन वीसीआर उनके पास में है और बी और सी की कंसेंट से ए अपने पोजीशन में रखे हुए है और ए अगर उसको सेल कर देता है पी को और वो खरीदने वाला गुड फेथ में खरीद लेता है तो ओनरशिप का ट्रांसफर बायर को हो जाएगा, बराबर। सेम बात बच्चे लोगों वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाली, याद आ रहे हैं आपको सारे पॉइंट्स, याद रखिएगा कि ये जो हमारे पॉइंट्स है ये हम लोग कर रहे हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स, है ना, हम लोग रेगुलर क्लास के अंदर इन सारी चीजों पे बात कर चुके हैं और इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं स्टडी मैट में जो आपको एग्जाम्पल्स और जो क्वेश्चंस देके रखें ताकि आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो जाए, इसलिए इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं। तो एक्स फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन अ डायमंड रिंग, फ्रॉड से आपने डायमंड रिंग लिया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है जिसको वाई कैंसिल करवा सकता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता उससे पहले पहले एक्स ने वो रिंग सेल कर दिया जेड को, जो एक इनोसेंट बायर है, तो लॉ कहता है उसको ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाएगा, और वाई जो यहां पे है वो उससे डायमंड रिंग का रिकवर नहीं कर सकता है। बाद में आप भले कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर दो तो भी कुछ नहीं होगा, पैसा रिकवर कर लो लेकिन रिंग मिलने वाली नहीं है, ठीक है। सेम उसी तरह से सेल करने के बाद भी गुड सेलर के पोजिशन में वाला पॉइंट, ड्यूरिंग आईपीएल मैचेस पी ने एक टीवी सेट परचेस किया आर से, आर एग्री टू डिलीवर द सेम टू पी आफ्टर सम डेज, ठीक है, आर से खरीदा, आर ने बोला कुछ दिन बाद में तुमको डिलीवर करूंगा, और आर ने सेम टीवी एस को सेल कर दिया हायर प्राइस के ऊपर जिसने गुड फेथ में, और उसको पता भी नहीं था कि ऑलरेडी सोल्ड है। लॉ कहता है नए वाले बायर को ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाएगा, ये हम लोग को ध्यान में रखना है, बराबर। नाउ नेक्स्ट कहता है एक बायर जिसने ओनरशिप आने से पहले गुड्स को सेल कर दिया, एग्जाम्पल लेते हैं, ए टुक अ कार फ्रॉम बी ऑन दिस कंडीशन दैट ए वुड पे अ मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 5000 एज हायर चार्जेस विद एन ऑप्शन टू परचेज इज पेमेंट ऑफ 1,24,000 इंस्टॉलमेंट। बच्चे लोगों ए ने यहाँ पे कार लिया है बी से, हायर परचेज पे है, 5000 रुपीज हायर चार्जेस रहेगा, 24 इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा देना है, हायर परचेज है। आफ्टर द पेमेंट ऑफ फ्यू इंस्टॉलमेंट ए ने वो कार सेल कर दिया सी को। अब हम जानते हैं ए को ऐसा करने का राइट तो था नहीं, लेकिन मान लो बी बाद में एग्री कर गया इस बात के ऊपर, मतलब सेलर एग्री कर गया, बी कैन रिकवर द कार फ्रॉम सी सिंस ए हैड नीदर बॉट द कार नॉर हैड एग्री टू बाय द कार, ही हैड ओनली ऑप्शन टू बाय द कार। हालांकि ये वाला पर्सन, ये वाला पॉइंट अपना वो हो गया बच्चों जो पहले ही पढ़ चुके हैं, हायर परचेज एग्रीमेंट में अगर आप किसी को बेच देते हो किसी और को, खरीदने वाले को आपसे जो खरीद रहा है भले कितना गुड फेथ में खरीदे उसको ओनरशिप का ट्रांसफर होने वाला नहीं है, तो पुराना वाला पॉइंट ही वापस इन्होंने दे दिया, अलग से इस पॉइंट का कोई एग्जाम्पल हालांकि इन्होंने यहाँ पे नहीं बनाया है। चलिए स्टोबल वाला पॉइंट देखते हैं, ए सेट टू बी ए बायर इन द प्रेजेंस ऑफ सी दैट ही इज द ओनर ऑफ द हॉर्स। स्टोबल बाय पार्टनर भी आप लोग अच्छे से जानते हो, वैसा ही पॉइंट है, ए बी को बायर को सी की प्रेजेंस में बोलता है कि वो गुड्स का ओनर है, बराबर से, बट सी जो एक्चुअल गुड्स का ओनर है वो यहाँ पे साइलेंस मेंटेन करता है, हॉर्स उसका है लेकिन वो साइलेंट रहता है, और बी ने ए से वो घोड़ा परचेज कर लिया। लॉ मानता है बायर को यहाँ पे बी को गुड टाइटल मिल जाएंगे भले ही बेचने वाले के पास नहीं थे, ठीक है, क्योंकि सी ने साइलेंट रह करके बिना कुछ बोले ए को ये, मतलब एक तरह से ए के लिए ये कह दिया कि हाँ भाई ए को सेल करने का राइट है, तो यहाँ पे आपका जो साइलेंस है
वो भी को इस बात के लिए इंड्यूस कर रहा है कि हाँ भाई आप परचेस कर लो, ए ही इसका ओनर है, ऐसा आपने प्रिटेंड करवा दिया तो ओनरशिप आपके पास से चला जाएगा, ये हमको ध्यान रखना है। तो ये आपका एक और एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे हमने कवर कर लिया 19, ठीक है। तो बच्चे लोगों, इस सेशन में मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि हम लोग डिटेल टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टडी मटेरियल के एग्जाम्पल्स जितने भी यहां दे रखे हैं एज वेल एज उनके क्वेश्चंस पर। चलिए जी आगे बढ़ जाता हूं। यहां पे एक एग्जाम्पल बच्चे लोगों पार्ट डिलीवरी का आपको दे रखा है, डिलीवरी के रूल्स हैं सारे के सारे। सर्टेन गुड्स जो हैं वो लाइंग ए पार फॉर सोल्ड इन अ लॉट, लॉट में सेल होने हैं। सेलर इंस्ट्रक्ट करता है वॉर फिंगर को टू डिलीवर देम द बायर हु हैड पेड फॉर देम एंड द बायर देयर आफ्टर एक्सेप्टेड देम एंड टुक अवे इन पार्ट। ओके, डिलीवरी एज अ होल मानी जाएगी, मतलब उसने इंस्ट्रक्शन दे दिए थे वॉर फिंगर को, लेइंग एट वॉर फिंगर, कि भाई ये जो गुड्स हैं वो पेमेंट करे तो उसको देना, बराबर। तो उसने कुछ पेमेंट किया और कुछ गुड्स को एक बार लेके चला गया, तो मतलब पार्ट में गुड्स को ले जा रहा है, एक्सेप्टेड देम एंड टुक अवे इन पार्ट, बराबर से। तो यहाँ पार्ट डिलीवरी इक्वल्स टू होल डिलीवरी मानी जाती है, अपन लोग जानते हैं, तो वही वाला एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिया है। और एक एग्जाम्पल यहाँ इन्होंने लगाया डिलीवरी इन रॉन्ग क्वांटिटी के साथ में, ठीक है। हमने पढ़ा था आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, अपन पढ़ चुके हैं। ए एग्री टू सेल 100 क्विंटल ऑफ वीट एट 1000 पर क्विंटल, ए ने 1100 क्विंटल डिलीवर कर दिया, बी अगर चाहे तो रिजेक्ट द होल लॉट, पूरा का पूरा 1100 वापस कर सकता है, या 1000 एक्सेप्ट कर सकता है और बाकी के रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। या और लगा के लिखा है कि चाहे तो पूरा का पूरा 1100 का लॉट भी एक्सेप्ट कर सकता है, उसका पैसा देना पड़ेगा जरूर उसको, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। पढ़ा हुआ है हमारे ट्रांजिट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, सेक्शन 40 क्या कहता है, पी सोल्ड टू क्यू अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आयरन रॉड विच वर टू बी सेंट बाय प्रॉपर विसल, ठीक है, शिप से जानी है। पी क्यू को कुछ सर्टेन क्वांटिटी के अंदर आयरन रॉड बेच रहा है जो प्रॉपर शिप से जाने वाला है। इट वॉज रस्टेड बिफोर इट रीच द बायर, लेकिन बायर तक पहुंचती उससे पहले ही वो जैसे मुड़ वगैरह जाती है ना, आयरन रॉड है तो वैसी हो गई। द रस्ट ऑफ द रॉड वॉज सो मिनिमल, बहुत कम हुई, एंड वॉज नॉट अफेक्टिंग द मर्चेंटेबल क्वालिटी एंड डिटोरेशन वॉज नॉट नेसेसरी इंसिडेंटल टू द ट्रांजेक्शन, ठीक है। इट वॉज हेल्ड दैट क्यू को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समझिएगा थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है। नॉर्मली हमने पढ़ा कि रास्ते की जो भी चीजें होंगी, कोई भी ऐसा वेयर गुड्स आर डिलीवर एट अ डिस्टेंस प्लेस, द लाइब्रेरी फॉर डिटोरेशन नेसेसरीली इंसिडेंटल टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कोर्स ऑफ ट्रांजिट में होंगी होंगी, जिसको आप लोग बोलते हो ना नॉर्मल लॉस, वो बायर ही बियर करेगा। हाँ, सेलर एग्री कर सकता है लेकिन अदरवाइज बायर। तो यहां जो हुआ ना वो भी बहुत मिनिमल था और इससे गुड्स की मर्चेंटेबल क्वालिटी में कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और ऐसी अगर चीज, तो यहां पे बहुत सीधा सीधा सा बोला, तो ऐसे में बायर जो है वो उन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। डिटोरेशन वॉज नॉट नेसेसरीली इंसिडेंटल टू द ट्रांजेक्शन, ठीक है। हालांकि यहां पे नेसेसरी इंसिडेंटल टू द कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन बोला है, यहां पे नॉट नेसेसरी बोला है, लेकिन चूंकि गुड्स की मर्चेंटेबल क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आया, बहुत मिनिमम है, तो उस केस में इट वॉज हेल्ड दैट क्यू जो है वो इन गुड्स को एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, कि अपने को ध्यान में रखना है, आप मना नहीं कर सकते, वैसे भी रास्ते का लॉस जो है वो बायर ही बियर करता है, अपने को ध्यान में रखना है। हाँ जी, देन उसके बाद में बच्चे लोगों आगे बढ़ जाते हैं एक्सेप्टेंस और डिलीवरी चैप्टर, यहाँ आकर के आपके एग्जाम्पल सारे के सारे बच्चे लोगों खत्म हो जाएंगे, बराबर। हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल्स यहाँ आकर के आपके सारे खत्म हो गए और यहाँ शुरू होता है आपका क्वेश्चन का पार्ट। और पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स का मतलब एमसीक्यू एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं ओनरशिप ऑफ द गुड्स। इन केस सेल ऑन अप्रूवल द ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द बायर, अप्रूवल के अंदर कब होता है, जब एक्सेप्ट कर ले, अडॉप्ट कर ले, या रिटर्न करने के अंदर फेल हो जाए, यानी कि हमारा आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव, बराबर। इन केस ऑफ सेलर हैंड ओवर द कीज ऑफ वेयर हाउस, अगर आपने वेयर हाउस का कीज किसको पकड़ा दिया, तो बट ऑब्वियस है इट इज अ मैटर ऑफ, बच्चे लोगों थर्ड का आंसर क्या कहलाएगा, क्या कहते हो, सिंबॉलिक डिलीवरी, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ के आए हो। ए सेल्स टू बी 100 बैग ऑफ वीट लेइंग इन सीज वेयर हाउस, A ऑर्डर टू C टू डिलीवर द वीट टू B एंड C एग्री टू होल्ड डिलीवरी, वो उसके बिहाफ पे डिलीवरी होल्ड कर रहा है, बच्चे लोगों कंस्ट्रक्ट डिलीवरी आप लोग सब जानते हो, फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आ गए। ये तो सिलेक्शन ऑफ गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम होता है, आप लोग सब जानते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स, तो हमारा आंसर नंबर B यहाँ पे चला गया। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इफ द सेलर इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स देन द टाइटल ऑफ बायर शैल बी, बच्चों समझ रहा,
जहां पे बेसिक रूल क्या है कि अगर बेचने वाले का टाइटल अच्छा नहीं है तो खरीदने वाले का टाइटल भी अच्छा होने वाला नहीं है। मतलब अगर बेचने वाले का टाइटल खराब है, वो ओनर है ही नहीं, तो मतलब उसका टाइटल है ही नहीं, तो बायर का भी वैसे ही रहेगा, उसका भी कोई टाइटल नहीं होने वाला है। हमने बोला नॉट बी सेम एज द सेलर, बी सेम एज द सेलर, बिल्कुल सेलर का भी डिफेक्टिव, आपका भी डिफेक्टिव रहेगा सर। लेकिन अपन ने तो पढ़ा ना सर, वो नॉन ओनर कैन ट्रांसफर ओनरशिप, बच्चे लोगों को एक्सेप्शंस के अंदर दे, पर जब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा जनरल रूल के हिसाब से अपना आंसर देना पड़ता है। ठीक है, सेवन देखो, नेम डेट का मतलब क्या हो गया, नेमो डेट का, वन कैन नॉट गिव व्हाट वन डज हैव, जो आपके डज नॉट हैव, जो आपके पास है नहीं, आप किसी को दे नहीं सकते, ए नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ पार्टी, जो हमेशा ओनर होती है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। इफ द सेलर डिलीवर टू द बायर अ क्वांटिटी लेस देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, तो अगर लेस देन दे दिया जाए तो क्या कुछ हो सकता है, आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट अपन ने पढ़ा था, तो ए और बी हमारा आंसर हो जाएगा। एप्रोप्रिएशन का मतलब बच्चे लोगों को सिलेक्शन ऑफ द गुड्स होता है, इसमें अपने को पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं एप्रोप्रिएशन के बारे में। सेपरेटिंग करना अदर गुड्स से, क्वांटिटी को पुटिंग द क्वांटिटी इनटू सुटेबल, ठीक है, रेप्टिकल्स में रख देना, पैकेट्स वगैरह में रख दिया, और डिलीवरिंग द गुड्स टू द करियर या बिली को दे देना पहुंचाने के लिए, ऑल ऑफ द अबव इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, सारा का सारा डी आंसर करेक्ट जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज रिगार्ड द डिलीवरी ऑफ द गुड्स इन इंस्टॉलमेंट, अच्छा इंस्टॉलमेंट में अगर है तो कौन सा ऑप्शन सही है, द बायर इज बाउंड टू एक्सेप्ट, नहीं हमने पढ़ा था बाउंड नहीं है, ये तो आंसर है नहीं, बायर इज बाउंड टू एक्सेप्ट द इंस्टॉलमेंट डिलीवरी अगर डिस्क्रिप्शन से हो, बाउंड तो है ही नहीं, हाँ द बायर इज बाउंड टू एक्सेप्ट द इंस्टॉलमेंट ओनली इफ एग्रीड बिटवीन द पार्टीज, मतलब उसकी मर्जी होगी तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, जैसा आपने पहले से एग्रीमेंट कर रखा है, और इंस्टॉलमेंट में ये हो ही नहीं सकता बच्चे लोगों, सी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, आपने को ध्यान रखना है। ठीक है, आइए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, बड़े क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, देखें इन क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, कितना हम कर सकते हैं। नेमो डेट को नॉन हैबिट, बच्चे लोगों पहला क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है, तो आप लोग कर सकते हैं बहुत आराम से, बराबर रूल्स आपसे पूछे और इसके एक्सेप्शंस के बारे में पूछा है, तो आप लोग देख सकते हो बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन हम एग्जाम में आने के चांसेस रेयर टू रेयर हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो हम सारे करने वाले हैं। जे द ओनर ऑफ द फियट कार वॉन्ट्स टू सेल हिज कार, ठीक है, फॉर दिस पर्पज ही हैंड ओवर द कार टू पी अ मर्केंटाइल एजेंट फॉर ए प्राइस लेस देन 50,000। बच्चों अपने पढ़ा है, जे ने अपना कार जो है, कार का ओनर है, पी उसका एजेंट है, और उसको बोला है कि 50,000 से कम पे सेल नहीं करना है। एजेंट ने उसको 40,000 के अंदर ए को सेल कर दिया, जिसने गुड फेथ में और बिना किसी नोटिस के कि भी बेचने वाले को 40 में बेचने का राइट ही नहीं है, खरीद लिया है, ठीक है, और वो पैसा पी ने मिस अप्रोप्रिएट भी कर लिया, मतलब पैसा लेकर के एजेंट भाग गया है। अब जे जो है वो ए पर, वो जो बायर है उस पर केस करता है कार को वापस लेने के लिए। बच्चे लोगों क्या कहते हो, सेक्शन नंबर 27 कहता है अगर मर्केंटाइल एजेंट सेल कर रहा है अंडर हिज अथॉरिटी, अथॉरिटी सेल करने की तो थी ना, तो बायर को गुड टाइटल वहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे, सीधा सीधा हमारा पॉइंट था, आप लोग चेक कर सकते हो बच्चे लोगों। ये देखिए एजेंट वाला जो पॉइंट है सेक्शन 27 का, उसके सारे पॉइंट अपने लिख दिए और फाइनल आंसर यही लिख दिया कि आप ए से वो रिकवर नहीं कर सकते। सर इसमें ये भी लिखना है क्या कि हम एजेंट से रिकवर करेंगे और एजेंट पे कुछ नहीं पूछा है? बच्चों जितना पूछे उतना आंसर दो, आपसे क्वेश्चन में एजेंट का क्या करना है, उस पर सूट फाइल करना है क्या, उससे पैसा लेना है क्या, कुछ नहीं पूछा है, तो आपको जितना पूछा है उससे रिलेटेड ही आप आंसर को लिखोगे। सीधा पूछा है जे और पी के बीच का क्या रिलेशन है, जे और ए रिकवर कर सकता है कि नहीं, तो आप नहीं कर सकते हो, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं, थर्ड नंबर, अब बच्चे लोगों क्वेश्चन नंबर थर्ड और सिक्स में आप लोगों के हाइएस्ट डाउट्स थे इन दो क्वेश्चन को लेकर के, जबरदस्त वाले, पढ़ते हैं। मिस्टर एस एग्री टू परचेज 100 बॉल्स ऑफ कॉटन फ्रॉम बी आउट ऑफ हिज लार्ज स्टॉक, बराबर, एंड सेंड हिज मैन टू टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स। तो वी के पास में एक लार्ज गुड्स का स्टॉक है, उसमें से एस एग्री होता है कि 100 बॉल ऑफ कॉटन वो खरीद रहा है और वो अपने बंदे को भेज भी देते हैं। सबसे बड़ा बच्चों कंफ्यूजन ये है कि इस लाइन में इन गुड्स को हम अनअसर्टेन गुड्स माने या हम माने इनको स्पेसिफिक गुड्स बट नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, बराबर।
क्योंकि अगर अनसर्टेन गुड्स माने तो सेक्शन नंबर 23 के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा अपने को बराबर, और अगर स्पेसिफिक गुड्स माने तो आप जानते हो सेक्शन नंबर 21 के हिसाब से आंसर जाएगा। ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, देखते हैं अभी ऐसे ही क्या कहता है, पहले आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब आप लोगों से मेरी बात हुई तो दोनों तरह की बातें थी, कुछ ने कहा कि सर ये तो बड़ा लॉट है, सर बड़ा लॉट में से आपने 100 एग्री किए हैं तो अभी तो अलग करने बाकी होंगे सर, तो इट इज अ मैटर ऑफ अनसर्टेन गुड्स, है ना। कुछ ने बोला कि नहीं सर जब एग्री कर लिया है तो इसका मतलब अलग तो कर ही लिया होगा सर, तो ये तो स्पेसिफिक गुड्स है, बड़े में से जब आपने 100 अलग कर लिए तो स्पेसिफिक गुड्स की तरह इसका आंसर जाना चाहिए, अभी देखेंगे। फिलहाल उसने अपना बंदा भेज दिया है, उन्होंने 60 बॉल्स बच्चों पैक कर दिए। अब पर्सन जो है वो बायर का ही वहां पहुंच चुका है, हिज मैन टू टेक डिलीवरी, 60 पैक कर दिए, लेटर ऑन वहां पे एक्सीडेंटल फायर हो गया और एंटायर स्टॉक बच्चों डिस्ट्रॉय हो गया, जिसमें 60 बॉल जो पैक हो गई वो भी वहां पे जल चुकी है। अब आपसे पूछा लॉस कौन बियर करेगा, बच्चे लोगों चाहे अनअसर्टेन से करूं चाहे स्पेसिफिक से करूं उसको बाद में डिसाइड करता हूं, एक चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए, सेक्शन नंबर 26 कहता है ओनरशिप का ट्रांसफर कब हुआ। बट ऑब्वियस है चाहे किसी भी तरीके से दे लो, अगर यहां पे गुड्स डिलीवरेबल स्टेट के अंदर आ चुके हैं, जितने आ चुके हैं और बायर को इन्फॉर्मेशन पहुंच चुका है, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट में हो या अनअसर्टेन गुड्स, तो करना तो आपको यही है कि उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाना पड़ेगा और बायर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब चूंकि बायर का ही बंदा वहां पे है तो ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन तो हो ही गई है, और 60 आपने अपने लिए पैक भी कर लिए, इसका मतलब बच्चे लोगों 60 का ओनरशिप तो गया एस के पास, तो एस बियर करेगा, और रिमेनिंग 40 जो है वो बट ऑब्वियस है अभी सेलर ही बियर करने वाला है, वो वी बियर करेगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं इन्होंने थर्ड का आंसर किस बेस पे लिया है, आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं बच्चे लोगों, सेक्शन 26 से इन्होंने शुरू किया जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के अंदर रिस्क की बात करता है, रिस्क कौन बियर करेगा, है ना। तो अगर जब तक ट्रांसफर नहीं हो जाती है तब तक तो सेलर बियर करता है, ट्रांसफर होने के बाद बायर बियर करता है। फिर इन्होंने बच्चों सेक्शन 18 के साथ 23 दे दिया, यानी कि अनअसर्टेन गुड्स पर आंसर बनाया है, ठीक है। अच्छा आपको फिर से कह देना चाहता हूं दोनों में आंसर सेम बनेगा, चाहे अनअसर्टेन गुड्स करो चाहे आप स्पेसिफिक गुड्स बट नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट करो, ठीक है। तो इन्होंने आगे बोल दिया कि भाई ये अभी तक बायर का प्रॉपर्टी उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप उसको असर्टेन नहीं कर लेते हो, असर्टेन करने के लिए अप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा, वो सारा अपना पॉइंट था, बायर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ये सब अपन ने पढ़ा। फिर इन्होंने बच्चों इस आंसर में दो एजम्पशंस लिए हैं, सुनना। पहला एजम्पशन इनमें ये लिया कि बॉल्स हैव बीन सिलेक्टेड विद द कंसेंट ऑफ बायर रिप्रेजेंटेड, और द बॉल्स हैव नॉट बीन सिलेक्टेड विद द कंसेंट ऑफ बायर रिप्रेजेंटेटिव, उसका बंदा वहां आया हुआ है ना तो उससे पूछ के सेलेक्ट किया है या उसको बगैर पूछे सेलेक्ट किया है। तो इन दिस केस द प्रॉपर्टी इन 60 बॉल्स हैज बीन ट्रांसफर टू द बायर एंड गुड्स हैव बीन अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो 60 बॉल का जो लॉस है वो तो एस बियर करेगा, बची हुई 40 का मिस्टर वी बियर करेगा क्योंकि उनका अप्रोप्रिएशन अभी तक नहीं हुआ है। बाई चांस उसके एजेंट की आपने कंसेंट अभी तक नहीं ली थी तो द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट बीन ट्रांसफर टू ऑल एंड हेंस पूरे के पूरे 100 का वी बियर करेगा। इन्होंने दो पार्ट में बच्चों आंसर को बना दिया। तो सर हम एग्जाम में क्या करेंगे, जब क्वेश्चन में बोल दिया है कि उनका बंदा वहां पहुंच चुका है तो बच्चे लोगों हम ये एक ही प्रेजम्पशन पे इसका आंसर दे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारे हिसाब से तो उनका पर्सन वहां पे है तो मतलब उसका कंसेंट ले लिया गया है, उसका इन्फॉर्मेशन वहां पे है, क्योंकि इसमें अपन यही पढ़ा था कि विद द कंसेंट ऑफ सेलर बायर कर लेगा या विद द कंसेंट ऑफ बायर सेलर कर लेगा। तो अगर उसके एजेंट का कंसेंट है तो मतलब अप्रोप्रिएशन हो गया, कुछ का हो गया तो 60 बॉल का बायर बियर करे 40 का सेलर बियर करे, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो सर अब आप ये बताओ कि इसका आंसर स्पेसिफिक गुड्स पे देना है, क्या करना है, बता रहा हूं बच्चे लोगों। पहले 6 क्वेश्चन आपको पहले करवाता हूं मैं, 4th and 5th इसके बाद करेंगे। 6 क्वेश्चन कहता है एक्स एग्री टू परचेज 300 टन ऑफ वीट फ्रॉम वाई ऑफ अ लार्जर स्टॉक, तो सेम लाइन लिखी है। यहां पे भी एक्स ने यानी बायर ने अपना बंदा भेज दिया है सेक्स यानी बोरियों को लेकर के, बराबर बोरियां जो है जो कार्टून्स या जो आप कह सकते हो उनको लेकर के भेज दिया है, एंड 150 टन ऑफ वीट जो है वो उनके अंदर भर दी गई है, बराबर से बहुत सीधा सा है, 150 भर भी दिया है। तो यहां तक की लाइन तो सेम है, वहां पे भी था 60 बॉल्स पैक कर दिए, यहां पर भी है कि भाई आपने क्या किया 300 में से 150 पैक कर दिए, देन देयर वाज सडन फायर और सारा स्टॉक बच्चों जल गया है, नाउ ये लॉस को कौन बियर करेगा। सेम क्वेश्चन वही अपना सेक्शन नंबर 26 एज इट इज लगना चाहिए। यहां आप लोगों को थोड़ा सा आईसीए ने कंफ्यूज कर दिया है, ये देखो
इन्होंने इसका आंसर पूरा बना दिया सेक्शन नंबर 21 पे, इफ द गुड्स आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स द प्रॉपर्टी डज नॉट पास। इन्होंने क्या मान लिया कि गुड्स स्पेसिफिक है लेकिन डिलीवरेबल स्टेट में नहीं, और वो कब होंगे, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, जब आप उसको लेकर के आ जाते हो और बायर को इसका नॉलेज हो जाता है। अच्छा, फाइनल आंसर अभी भी बच्चों वो कब हो रखा है, इन्होंने 300 टन लार्ज स्टॉक में था, अपने बंदे को भेज दिया है, 150 उसने भर दिया है बोरियों में, देयर वॉज अ सडन फायर, पूरा क्वेश्चन लिख दिया, इन दिस केस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन 150 का सेल हो चुका है तो बायर 150 बियर करेगा, रिमेनिंग का सेलर बियर करेगा। तो चाहे आप आंसर 21 से दो या 23 से दो, आपका आंसर फाइनल आंसर तो सेम आएगा। अब अलग अलग ओपिनियन है इस पे, सेम क्वेश्चन के अलग अलग पॉइंट लिख दिए हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये अनअसर्टेन गुड्स पे जाना चाहिए। जब भी क्वेश्चन इस तरह का आए कि एक बड़ा स्टॉक है और उसमें से सेलेक्ट करने का है, तो सिलेक्शन का मतलब एप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा, तो इसका आंसर अनअसर्टेन गुड्स के हिसाब से सेक्शन 23 में जाना चाहिए, फाइनल आंसर हालांकि सेम मिलेगा। अब बाय चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आप लोग उलझ जा रहे हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है सर, आईसीए ने तो दोनों ही आंसर करेक्ट किए हैं, तो आप इसको आप भी डबल तरीके से करिए। डबल का मतलब थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आप प्रिजम्पशन ले सकते हो, ऐसे लिख दो कि इट इज प्रिज्यूम्ड दैट गुड्स आर अनसर्टेन गुड्स बट नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट। सेकेंड assumption दे दो, इट इज अज्यूम दैट गुड्स आर अनअसर्टेन गुड्स। फिर दोनों के प्रोविजन लिख करके फाइनल आंसर आपका सेम ही जाने वाला है कि वेदर देर इज प्रेजम्पशन नंबर टू और प्रेजम्पशन नंबर सॉरी वन और टू, फाइनल आंसर इज, और फिर आपका आंसर आपको लिख देना चाहिए क्योंकि फाइनल आंसर तो सेम टू सेम आने वाला है, तो हमारा प्रॉब्लम यहां आकर के थोड़ा सा दूर हो जाएगा, अदरवाइज ये एक कंफ्यूजिंग का मैटर हमेशा रह जाता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन अनअसर्टेन गुड्स का है, मे भी हो सकता है कि आपका या किसी और का भी ओपिनियन मुझसे मैच न कर रहा हो, पर यहाँ पे दोनों बातें इन्होंने दे रखी है, तो एक तरीका एक रास्ता आपको मैंने बता दिया कि आपको आंसर कैसे लिखना चाहिए, दोनों प्रेजम्पशन लगा करके लिख दीजिए। ठीक है, फोर्थ नंबर, मिस प्रीति ओन अ मोटर कार जो उन्होंने हैंड ओवर किया मिस्टर जोशी को सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के ऊपर, एक वीक के बाद में जोशी जी ने प्लेज को गणेश के पास में मॉर्गेज कर दिया है। नाउ प्रीति चाहती गणेश से कार को वापस ले ले, आप लोग जानते हो नहीं मिलने वाली है, सेक्शन नंबर 20 सेक्शन नंबर हमारा अप्रूवल बेसिस 24 लग जाएगा, और उसके हिसाब से आप लोग जानते हो प्लेज पर रखना मतलब आपने उस पर कंसेंट दे दिया है, प्राइस आप रिकवर कर सकते हैं, तो चेक कर ले अपन लोग। हाँ, सेक्शन नंबर 24 अप्रूवल बेसिस का पूरा प्रोविजन लिखिए, तीनों पॉइंट्स को समझाइए, और फाइनल आंसर बचे लोगों, प्लेज पे अगर चला गया है तो इसका मतलब ओनरशिप परचेज करने के वाले के पास में गया, जोशी जी के पास में गया, और प्रीति जो है अभी वो कार वापस नहीं ले सकती है मिस्टर गणेश से, लेकिन जोशी से पैसा आप रिकवर कर सकते हो, कॉमन सा क्वेश्चन था, कॉमन एग्जाम्पल हम लोगों ने किया, टेंशन नहीं है। चलिए अगले पे बढ़ते हैं, थर्ड पे, एबीसी वर ज्वाइंट, बच्चों ज्वाइंट ओनर वाला क्वेश्चन है, तीनों लोग ज्वाइंट ओनर है ट्रक के, और पोजिशन जो है वो बी के पास रहता है। ठीक है, एक्स ने ये परचेज बी से परचेज कर लिया, उसको पता नहीं था ए और सी भी इसके ओनर है, हालांकि आपको पढ़ाते वक्त मैंने कहा था कि सर ट्रक वगैरह के तो पेपर्स देके जा सकते हैं, पर ऐसे कॉमन क्वेश्चंस में अपने को ये ध्यान रखना है कि ज्वाइंट ओनर ने अगर किसी एक को बेच दिया तो ओनरशिप उसको चली जाएगी और ये सेल एब्सोल्युटली वैलिड मानी जाएगी। क्या कहते हो, बराबर? फिफ्थ का आंसर चेक करें अपन लोग, नॉन ओनर कैन ट्रांसफर ओनरशिप के अंदर आएगा, ये देखिए सेक्शन नंबर 28 पूरा हमने लगा दिया, सारे प्रोविजन उसके लिख दिए, और फाइनल आंसर हमने बोल दिया इन द अबव केस एबीसी क्वेश्चन आ गया, द सेल बिटवीन बी एंड एक्स इज परफेक्टली वैलिड, क्योंकि जिसके पोजीशन में उसको बेचने का राइट देता है, बस खरीदने वाले को गुड फेथ में खरीदना पड़ेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है, तो वैलिड सेल मानी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फिर सेवेंथ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आखिरी दो क्वेश्चन बच्चे लोगों, द बायर टुक डिलीवरी 20 टेबल्स फ्रॉम द सेलर ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस विदाउट एग्जामिन दैट। ठीक है, सब्सिक्वेंटली 20 में से बच्चे लोगों 5 टेबल उसने आगे कस्टमर को बेच दिए। अब सवाल यह है बच्चे लोगों, जब गुड्स इस तरह के हैं तो डिविजिबल हो सकते हैं ना, सारे गुड्स तो रखे नहीं है, 20 में से 20 में से अगर 5 टेबल आपने किसी को आगे बेची है तो इसका मतलब ओनरशिप अभी तक 5 की गई है। हाँ, एक रीजनेबल टाइम निकलने के बाद आप रिजेक्ट नहीं करते या जवाब नहीं देते तो समझ में आता पूरे 20 की ओनरशिप जाती, लेकिन फिलहाल सिर्फ 5 की गई है क्योंकि आपने 5 ही आगे किसी को ट्रांसफर किया है, तो 5 का ओनरशिप जाएगा इसके पास, आ गया बायर के पास। अब कस्टमर ने कंप्लेन लॉन्च किया कि यार गुड्स के अंदर कुछ डिफेक्ट है, ठीक है, तो बायर क्या करना चाह रहा है कि वो रिटर्न करना चाह रहा है सेलर को,
वॉज द बायर एंटाइटल टू रिटर्न द टेबल्स, क्योंकि आप रोल बेसिस पे खरीदिए बच्चे लोगों, कंसेप्ट ये है कि 20 टेबल्स तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि 5 आपने आगे सेल कर दिया, इसका मतलब ओनरशिप का ट्रांसफर आपके पास में आ गया है, ठीक है, आपको या तो पहले ही कैंसिल करना चाहिए था, नहीं तो 5 तो रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 15 जो है अभी भी आप रिटर्न करने की पोजीशन में हो, क्या कहते हो, चेक करें आंसर। आइए जी, सबसे पहले तो बच्चे लोगों समझा दिया आपको पूरा सेक्शन नंबर 24 अप्रूवल बेसिस के ऊपर क्या कुछ होता है, ठीक है। वेयर द पर्सन टू होम द गुड्स आर गिवन एक्सेप्ट उसने कर दिया, या वेयर द पर्सन होम द गुड्स गिवन विदाउट अप्रूवल ऑफ नोटिस, एक टाइम के बाद भी गुड्स को रख लेता है या रिटर्न नहीं करता है। 20 टेबल यहाँ पे सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे दी गई थी और 5 आपने बेच दिया, तो माना यह जाएगा कि 20 में से आपने 5 को एक्सेप्ट कर लिया है। वेयर द बायर रिसीव द कंप्लेन ही वॉन्टेड टू रिटर्न ऑल द टेबल्स अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ लॉ, वो सिर्फ 15 टेबल वापस कर पाएगा, 5 टेबल जो ऑलरेडी सोल्ड उसने अपने कस्टमर को कर दिया उसको वापस नहीं कर पाएगा, ठीक है। दीज टेबल्स आर ऑलरेडी एक्सेप्टेड बाय हिम, सो आप लायबल हो जाओगे। और जहां तक बात है खराब निकलने की, तो केवे डेप्टर का रूल था, आपको खरीदने से पहले जब अप्रूवल बेसिस पे लेके गए तो आपको ढंग से चेक करना चाहिए था, खुद की बैड चॉइस के लिए आप सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते हो, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए फिर आखिरी पॉइंट आता है बच्चे लोगों, ए डिलीवर अ हॉर्स टू बी ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस से। फर्स्ट चैप्टर का अपने बुक का क्वेश्चन है बच्चों, अपने नोट्स का एग्रीमेंट था कि वो 8 दिन के लिए अपने पास में रख करके वापस देगा इफ ही डिड नॉट लाइक द हॉर्स। 3rd डे के ऊपर हॉर्स की डेथ हो गई है, डाइड हो गया, लेकिन उसमें बी का कोई फॉल्ट नहीं था। क्या ए यहाँ पे बी पर केस कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि अप्रूवल बेसिस पे गुड्स थे और अभी तक ओनरशिप ए के पास में ही है ना, पर बिना किसी की मिस्टेक के, बिना किसी की फॉल्ट के अगर भाई लाइव स्टॉक के डेथ हो सकता है, तो ऐसे में इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बनने वाला नहीं होगा और ए जो है वो बी से पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा। क्या कहते हैं आप लोग, चेक कर लें हम लोग फटाफट से। ए डिलीवर द हॉर्स टू बी ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, इट वॉज डिसाइडेड दैट बी विल ट्राई द हॉर्स 8 डेज, और ये सारा दे दिया बच्चे लोगों। यहाँ पे क्लियर बोला है कि अभी तक टाइम दिया 8 डेज का, 3rd डे पे ही उसकी डेथ होगी और फॉल्ट नहीं है, इसका मतलब टाइम अभी एक्सपायर हुआ नहीं है, और ऐसे में ओनरशिप अभी भी ए के पास ही रहेगी। बी विल बी कंसिडर्ड एज ओनर ऑफ द हॉर्स ओनली अगर वो 8 डेज तक उसको रिटर्न नहीं करता या पहले इन्फॉर्म कर देता तो ओनरशिप जाती, अदरवाइज नहीं। तो ए ने बी के अगेंस्ट में जो सूट फाइल किया वो इनवैलिड हो जाएगा और वो प्राइस रिकवर नहीं कर पाएगा। ये सेक्शन 24 के हिसाब से हम आंसर को ड्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे लोगों सेक्शन 24 अप्रूवल बेसिस वाली लाइन आ जाएगी। यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं आप 26 भी लगा सकते हैं, रिस्क पासेस ओनरशिप वाला पॉइंट भी इसमें लगाना चाहिए कि ओनरशिप अभी तक तो सेलर के पास ही है तो वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 3rd जो है वो स्टडी मैट से सारे एग्जाम्पल्स इवन क्वेश्चंस एमसीक्यूज वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो काफी सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब चूंकि टाइम हमारे पास एकदम कम बचा है, अक्टूबर आ चुका है, नवंबर स्टार्टिंग आपका दिवाली के अंदर चला जाएगा, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, कवर कस लीजिए एकदम तैयारी करने के लिए, वेदर क्लासरूम में एज वेल एज यहाँ पे। अब मैं आपके साथ में लगा रहूंगा जबरदस्त वाली तैयारी में। नेक्स्ट सेशन में कल हम लोग कोशिश करेंगे चैप्टर नंबर 4 को कवर कर लेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 3rd and 4th जो ज्यादा क्वारीज में थे आप लोगों के उसको कवर कर लेंगे, और देन उसके बाद कुछ स्पेशल एक प्रैक्टिस सेशन हम लोग लेंगे जहां कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं, ठीक है बच्चे लोगों। ओके बाय, टाटा, टेक केयर, सब लोग देख लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी कर दीजिएगा भाई। और अभी भी जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई, करके रखो, नोटिफिकेशन वाला बटन दबा के रखो, बहुत सारी चीजें आपके काम की आने वाली है। ओके बाय, टाटा, टेक केयर, फिर मिलते हैं बच्चे लोगों, बाय।